पहले हम लोग शुरू करते हैं अपनी दो संख्याओं के वर्ग से। तो सब लोग सोच में पड़ गए होंगे दो संख्याओं का वर्ग, दो संख्याओं का वर्ग तो पिछले वीडियो लेक्चर में दिया था। तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो ट्रिक दी थी उस ट्रिक से अलग ट्रिक है ये। तो इसमें आप देखिए कि जैसे आपको निकल रहा है 56 का वर्ग निकालना है आपको, तो पहले ट्रिक में जो था उसे आप उन्हें रहने दीजिए। इसको आप 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 25 हो गया हमारे पास। 6 का वर्ग कर लीजिए, 36 मिल गया हमें। और इसका हम गुणा कर लेते हैं, 5 × 6 × 2, क्योंकि यहां 2 था, ये 5 था, ये 6 था, ऊपर तीनों डिजिट का हमने आपस में कर लिया गुणा। तो 5 × 6 = 30 × 60 हो गया हमारे पास। इस 60 को हमने बीच में लिख लिया। पहला स्टेप माना है क्लियर हुआ, वर्ग करना है, दो ही स्टेप करने हैं। पहला स्टेप यहां क्लियर कर लिया। दूसरे स्टेप के लिए इस 6 को हमने ऐसे ही लिख दिया और इस 3 को इधर जोड़ दिया हमने लाकर, तो 60 × 3 = 63, 63 का हमने 3 लिख लिया और इस 6 को हमने यहां लाकर जोड़ दिया, 25 × 6 = 31, यानी 56 का वर्ग हमारा 31 × 36 आ गया। क्लियर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 78 यानी 78 का वर्ग। 78 के वर्ग के लिए हम लोगों ने पहले 7 का स्क्वायर किया 49, फिर 8 का स्क्वायर किया हम लोगों का 64 आया, और फिर हमने 7 × 8 × 2 कर दिया इस 2 का, 7 × 56 = 112 आ गया। इस 112 को हमने बीच में लिख लिया। अब इस 4 को हमने आखिरी में उतार दिया, 4, और इस 6 को यहां लाके जोड़ दिया, तो 112 और 6 118, 118 का 8 हमने लिख लिया, 11 लाके हमने इस जगह पे जोड़ा, 11 जोड़ने से 49 × 11 = 60 आ गया। तो ये 78 का वर्ग 784 हो गया। क्लियर। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको पहली वाली ट्रिक से आसान लगी होगी। तो यहां ट्रिक पे आपको बहुत ही आसानी से केवल 2 स्टेप आपको करने हैं, और इन 2 स्टेप करने के बाद आपका किसी आपको 100 तक की संख्याओं में किसी भी संख्या का वर्ग निकल आएगा। तो चलिए इसे आप चाहे नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो अब यहां तक आपने सीख लिया कि 2 संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से निकलता है। 2 संख्याओं का वर्ग आप लोग भी इसी ट्रिक से निकाल के देखिएगा, 100% है, कैलकुलेटर उठा के देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब अपने 3 डिजिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट मतलब 2 डिजिट का निकालना आप लोगों ने सीख लिया, आसान है, जल्दी से आ जाएगा। लेकिन बाई चांस आपके सामने 3 डिजिट आ जाती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया 208। अब इसका किस प्रकार से निकलेगा, तो जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर देखा वो सीधा कहेंगे सर इसमें से 208 में 8 का स्क्वायर कर लिया, 208 में 8 जोड़ा, वो पुरानी ट्रिक थी, उसे आप छोड़ दीजिए। इसमें नई ट्रिक में आपको ये देखना है कि ये देखो कि किस सैकड़े के पास है, 200 के पास है ज्यादा ना, तो इस 200 के पास के लिए हमें इसमें से 8 घटाना है, और जितना घटाना है उतना ही जोड़ना है इसमें, यानी 208 के लिए हमें 8 घटा भी लेना है और 8 जोड़ भी ले, क्योंकि तभी 208 हमारा 200 बन पाएगा, तभी जब 8 घटाएंगे, और जितना घटाएंगे उतना ही उसमें हम जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे 8 घटा लिए तो 8 जोड़ लिया, तो इसी 8 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो 8 × 64 हो गया। अब ये 3 डिजिट में रखेंगे, ये 3 डिजिट में रखेंगे हम लोग, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। अब 208 में से 8 घटाया तो हमारे पास 200 आ गया, और 200 अब इसका गुणे का निशान यहां लगाएंगे, गुणा करना है इन दोनों का हमें, और 208 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 216 हो जाएगा, यानी इस 8 को घटाया तो 200 आया और इसको जोड़ा इसके साथ तो 216 आया। क्लियर, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, 200 में हमने 100 से भाग दे दिया, तो 100 से भाग देने पे कट जाएगा हमारे पास, और ये बचेगा हमारे पास 2 × 216, गुणा कर देंगे 432 आ गया हमारा ये गुणा करने के बाद। अब इसको लेते हैं, ये 3 डिजिट थी ना, तो तीसरी डिजिट को यहां रखते हैं और उसके बाद हम लोग यहां पे रख लेते हैं और जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे क्या मिलेगा, इसको जोड़ने पे 4 × 6 = 2 × 3 = 4, तो यहां पे आप देख लीजिए कि इसका वर्ग हमारा ये आ गया कि 432 = 64। क्लियर। तो ये चीज हो सकती, ये चीज हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आई हो, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल की सहायता से और समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिए 213। अब 213 को इसमें अगर रखते हैं तो 13 घटाएंगे तभी 200 के पास पहुंचेगा, और जितना घटाएंगे उतना हम जोड़ लेंगे। क्लियर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ये ऑलरेडी 3 डिजिट में आ रहा है, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब 213 में से 13 घटाया, 200 बचा हमारे पास, गुणा लगाया, 213 में 13 जुड़ा तो 226 हो गया हमारे पास। अब इस 200 में 100 से दे दिया भाग, ये काट दिया हमने, ये बचा 2 × 226। अब इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 452। अब इस 169 को लेते हैं तो 3 तीसरी डिजिट यहां रखते हैं, 1, और ये इस तरीके से, और जोड़ देते हैं इसको हम
तो ये 9, 6, 3, 5, 4 ये हमारा इस 213 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो अब यहां पे आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है एक दो एग्जांपल से आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग इसे लिख भी लीजिए, इसे लिखते चलिए। और जितनी भी ट्रिक मैं आपको बताता चल रहा हूँ, एक डायरी देखिए साथ में और एक पेन रखिए। डायरी और पेन पे आप अपनी उस ट्रिक को नोट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप डायरी पे पेन पे ट्रिक को नोट करते रहते हैं तो आपके लिए वो ट्रिक हमेशा काम आएगी और हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेगी। और विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही बहुत कम समय में आपको स्क्वायर निकालना रहेगा। फिर इसके बाद मेरा अगला वीडियो लेक्चर आ रहा है जिसमें हम स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे, बहुत ही कम समय में स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे। तो ऐसे स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, परसेंटेज निकालना, या फिर और भी सारी चीज़ें बहुत कम समय में निकालने रहती है। तो ऐसी ही ट्रिक उसमें काम आती है कि अगर ये ट्रिक आपको आती है तो आपको वहाँ पर कम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इन ट्रिक्स को हमेशा अपनी कॉपी पेन पे नोट करके रखिए कि जिससे कि आप लोगों के लिए हमेशा एक काम का लाभदायक बनी रहे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 389। अब 389 किसके पास है, किस डबल जीरो के पास? तो यहाँ पे 400 के पास है, तो 400 के लिए इसमें हमें 11 जोड़ना रहेगा तभी 400 बनेगा। तो जितना जोड़ेंगे उतना ही हम घटा लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 11 का स्क्वायर क्या करते हैं 121 आ जाता हमारे पास। क्लियर। अब इसमें 11 जोड़ते हैं तो ये हमारा 400 बन जाएगा, और इसमें से 11 जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 378। क्लियर, ये हो जाएगा 378। अब इस 300, अब 400 में हमने 100 से भाग दे दिया, ये काट दिया इसके साथ, तो 4 × 378 ले लिया। अब 4 × 32 के 2 हासिल आए 3, और 4 × 7 = 28, 3 × 31 के 1 हासिल आए 3, और 4 × 12 = 15, ये 1512 हो। अब इसे 121 को 1 यहाँ लिख लिया, 21 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको लिया जोड़। जोड़ने के बाद जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा इस 389 का स्क्वायर होगा। क्लियर। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी, आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा और ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए, जैसे मैंने आपको वादा किया कि 1000 तक निकालना सीखेंगे, तो 1000 के लिए भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 997, इतनी जोड़ी डिजिट एक साथ लेके चली गई, तो ये किसके पास है, ये हमारी 1000 के पास है। तो 1000 के लिए इसमें 3 जोड़ना होगा और 3 घटाना होगा। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमने ले लिया 9, मतलब 009, क्योंकि 3 डिजिट हमें लेनी थी सेल में। 3 डिजिट के लिए हमेशा से प्रिपेयर रखना है कि अगर नहीं आ रहा है तो 0 लगा के उसे 3 डिजिट हमें बढ़ा लेनी है। तो यहाँ पे हमने 009 ले लिया। अब इस 3, अब इसमें जोड़ने पे हमारे पास 1000 बनेगा ये, और इसके साथ जब हम 3 घटाएंगे इसमें से तो हमारा हो जाएगा 994। क्लियर। अब इस 1000 में हमने 100 से दे दिया भाग, ये 2 जीरो से कट गया, बचा 10 × 994 हो गया हमारे पास 9940। अब ये 3 डिजिट वाली संख्या को हम लेते हैं जोड़, तो हमारे पास हो गया 499, ये हमारा 997 का स्क्वायर बन गया। क्लियर। चलिए इसे भी लिख लीजिए आप लोग। तो ये जो डिजिट के स्क्वायर आ रहे हैं ये आप कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट भी करते रहिए और देखिए कि जो स्क्वायर आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और डिजिट हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 816, तब इसमें हम 16 घटा के इसे 800 के पास ले जा सकते हैं और जितना घटाएंगे उतना जोड़ लेंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 × 2 = 256। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको अगर स्क्वायर निकालना सीखना है तो आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आने ही आने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर नहीं आते हैं तो आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे इसको देखिए कि 16 का स्क्वायर 256 आ रहा है, और फिर यहाँ पे हम लोग इसे घटा लेते हैं, 816 में से 16 घटाया तो बचा हमारे पास 800, और इसको 16 जोड़ेंगे तो 832 आ जाएगा। इसको हमने 100 से भाग दे दिया, ये कट गया, और ये 8 × 832 हो गया हमारे पास। गुणा क्या, 8 × 16 = 86, 1 × 8 = 24, 1 × 25 के पास दो, 8 × 64 = 26, ये इसका गुणा हो गया। और गुणा होने के बाद इसे हम जोड़ देते हैं, तो तीसरे डिजिट यहाँ रखा, बाकी सब यहाँ रखेगा, और इसको हम लेते हैं जोड़, ये हमारे पास हो गया इसका स्क्वायर।
816 का स्क्वायर हमारे पास ये निकल के आ गया। क्लियर। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर तो बड़े चालाक हैं, कभी कभी छोटी गिनती के पास ले लेते हैं, कभी बड़ी वाली गिनती के पास ले लेते हैं। क्या हो कोई डिजिट अगर बीच में मिल जाए आपको, जैसे यहाँ पे मिल जाती है आपको 652, इसका क्या होगा? 52 का स्क्वायर निकालना है तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तब उसमें समय लगेगा। और ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आपको समय ना लगे। तो यहाँ पे 52 का स्क्वायर जब निकालना हो तो इस 652 का स्क्वायर निकालना हो तो करना क्या रहेगा ये देख लीजिए आप लोग। तो 652 के स्क्वायर के लिए हमें देखना होगा कि किस 100 के पास है, मतलब अब ये हम कहाँ पहुंच गए, अभी हम 600 या 700 के पास अब नहीं जाने वाले, अब इसको सबसे पास वाले में रखते हैं। तो ये 50 के पास है, तो इसमें से 2 घटाया है 50 बन जाएगा हमारा 650। तो जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ लेंगे, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 के साथ हमने 2 जीरो बढ़ा लिया। ये चीजें नॉर्मली जो होती थी स्क्वायर, आखिरी गिनती वाला स्क्वायर, उसका हमने 3 डिजिट में रख लिया, तो 000 4 हो गया। अब इसमें से 2 घटाए तो हमारे पास बचा 650, और यहाँ पे 2 जोड़ा तो हो गया 654। क्लियर। अब इसको हम 100 से भाग दे देते हैं, 100 से भाग देने वाली प्रक्रिया हमें छोड़नी नहीं है, यानी कि एक जीरो आ गया तो 10 से ही भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे तो एक डिजिट लेंगे, एक डिजिट लेने से वर्गमूल आने वाला नहीं है। तो हमने 100 से भाग दिया, 100 से भाग देने पे हमारे पास आ गया 6.5 × 654, ये आ गया। अभी हमारे पास 6.5 है, 6.5 है, तो 6.5 अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखें तो 13/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6.5 का दुगना 13 होता है। तो यहाँ पे 654 हो गया, काट देते हैं 6 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 14, 13/327 आ गया हमारे पास। जोड़ा कर लेते 13/7 = 91, 13/9 = 26, और 9 × 26 = 35, 5/5 = 3, और 13/3 = 42, 3 = 42, ये हमारे पास 42 = 51 हो गया। अब ये 004 यहाँ लिख देते हैं और लेते हैं जोड़, तो हमारे पास हो जाएगा 5, 2, 4, ये हमारा इस 652 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, ये वर्ग निकालने का जो बेसिक मतलब आसान सा तरीका मैंने बताया है, वर्ग निकालने का आसान सा तरीका, और इस तरीके से आप लोग कई सारी संख्याओं के वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 1000 तक, जितनी चाहे जो संख्या, कोई रैंडम कोई संख्या उठा लीजिए, किसी भी संख्या को उठा लीजिए। अगर 2 अंक की संख्या है तो आपको मेरी पहली ट्रिक पे काम करना पड़ेगा, और अगर 2 से ज्यादा की संख्या है तो आपको इन सब ट्रिक्स पे काम करना पड़ेगा। और इन ट्रिक पे काम करने के लिए अब चलिए मान लीजिए थोड़ा सा दिमाग में आपको आ रहा होगा कि एक और अगर इसका एग्जाम्पल ले लेते तो और अच्छे समझ में आ जाता, तो एक और एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इससे, 3 डिजिट जो बीच वाली संख्याओं का होता है, और जिससे कि ये ट्रिक आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए एक और डिजिट हमने ले ली 568, अब 568 में 50 से इसमें 50 18 घटाने पे ये 550 बन जाएगा, जितना घटाएंगे उतना ही इसमें हम जोड़ देंगे। तो इसमें इस प्रकार से 18 का वर्ग हम लेंगे तो 324 आ जाएगा, ये 18 × 3 = 324 होता है। अब इसे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 550, और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 586। अब इसमें से 100 से भाग दे देंगे जब हम, तो हमारे पास आएगा 5.5 × 586। तो यहाँ पे हमारे पास इसको 5.5 है तो इसको 11/2 लिख लेते हैं, और 586 ये हो जाएगा हमारा, काट देंगे 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, और 2 × 3 = 6, 11 × 2 = 93। तो 3 × 11 = 33 के 3 हासिल है 3, और 11 × 99 = 3, 102 × 2 = 10, और 11 × 22 = 10, 32, ये हो गया 3223, और ये 324 हमने यहाँ पे लिख लिया, वही पुराना फंडा 4, 2, 3, 3, 6, 2, 2, 3, ये हमारा इसका स्क्वायर आ गया। क्लियर। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये ट्रिक जो है हमारी, ये वर्ग निकालने का जो तरीका है ये यहीं पे खत्म होता है, और उम्मीद है इसमें जितना भी मैंने तरीका बताया है, जो जो तरीका बताया वो तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपका आपके लिए वर्ग निकालना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर वर्ग निकालने से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इन ट्रिक्स का यूज़ कीजिए, और देखिए चुटकी बजाते ही आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ वर्ग दे दे रहा हूँ, रैंडमली कोई गिनती ले लेते हैं, जैसे 785 ले लिया हमने, 648 ले लिया, या फिर 200
89 ले लिया या फिर 452 ले लिया या फिर ले लिया हमने 981 ले लिया। अब इन पांच डिजिट को मैं आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूं, इनका वर्ग निकालिए आप, इन सभी का वर्ग आप निकालिए और निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ी लिखिए उसका आंसर कि आपने मेरी बताई हुई ट्रिक से इसका वर्ग निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। अगर आप लोग इसके उस ट्रिक में कोई भी दिक्कत का सामना करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़िए। अगर आपको वो ट्रिक अच्छे समझ में आ गई है तो इन सवालों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर ये बताएं कि मेरी जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो ट्रिक आपके लिए कारगर हुई। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरी ट्रिक समझ में आई हो, मजेदार लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करते रहें। कि शेयर करना यदि आपने रोक दिया तो ये जो वीडियो लेक्चर है, जितनी भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये इसका लाभ और भी पाने से छूट जाएंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जो यदि आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।